हेलो दोस्तों, वाईटेक चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपके मोबाइल में फ्लैश लाइट तो होता ही होगा, इसका इस्तेमाल आप क्या करते हैं? लाइट को ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। मगर दोस्तों, फ्लैश लाइट के अंदर तीन ऐसी खुफिया राज छुपा हुआ है जिसके बारे में आप सबको नहीं पता है। तो यदि आप जानना चाहते हो ये टॉर्च बटन के अंदर तीन ऐसी कौन सी खुफिया राज छुपा हुआ है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आपको टॉर्च ट्रिक लिख करके मुझे सेंड कर देना है। कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। इतना कर दीजिएगा तो चलिए मैं आपको तीन खुफिया राज के बारे में बता देता हूँ जो टॉर्च के अंदर छुपा हुआ है। अब पहला ट्रिक है दोस्तों कि आप जो यहाँ पे आप टॉर्च देख रहे हो ना, नीचे लिखा हुआ है, किसी में फ्लैश लाइट लिखा रहता है और किसी में टॉर्च लिखा रहता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो यहाँ आपको इधर दिखेगा लेवल 1 और इधर दिखेगा लेवल 5। अब इसका काम क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लेवल 1 लेवल 5, इसको आप ऑन करिएगा। सबसे पहले टॉर्च को आप ऑन कर दीजिए। अब इसमें कमाल देखिए दोस्तों, लेवल 1 लेवल 5 का मतलब क्या है, अब आप इसको बढ़ाएंगे ना, देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं बढ़ाऊँगा आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखिए वैसे वैसे यहाँ पर रोशनी बढ़ रहा है। लेवल जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर कितना ज़्यादा हो गया, ठीक है, लेवल 5 तक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रोशनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है इसलिए आपको समझ में नहीं आता होगा अभी कितना कम है, और इसको मैं जैसे बढ़ाऊँगा तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा रोशनी हो गया, हो गया ना। तो इस तरह से दोस्तों ये लेवल को आप बढ़ा सकते हो, और 5 पे कर दोगे ना, उसके बाद यदि आप टॉर्च जलाओगे तो पूरा रोशनी हो जाएगा आपका घर। मतलब टॉर्च को ज़्यादा कम ज़्यादा आप रोशनी को कर सकते हो। तो ये रहा पहला ट्रिक जो मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा ट्रिक जानने के लिए दोस्तों आप अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इस एप्लीकेशन का काम क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। इस एप्लीकेशन में दोस्तों आप अपने फ़ोटो, वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट को जो है ना, टोटल 5 चीज़ को, फ़ोटो हुआ, वीडियो हुआ, ऑडियो हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ, तो जिसको आप सीक्रेट तरीके से इस ऐप में छुपा करके रख सकते हो। यदि इस ऐप को कोई खोलेगा तो उसको क्या लगेगा, या ये तो टॉर्च एप्लीकेशन है, टॉर्च को ऑन करेगा और ऑफ़ करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। मगर यहाँ पे एक खुफिया राज है, यहाँ पे आप थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे ना तो आपसे परमिशन मांगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पिन डाल देना है जो आपको याद रह सके। 2 बार पिन डाल दीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ लिख करके सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। आप सेव पे जैसे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो, वीडियो, ऑडियो और यहाँ पे डॉक्यूमेंट, मतलब नोट पे कुछ छुपा करके रख सकते हो। चलिए मैं आपको फ़ोटो कैसे छुपा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोटो में गया तो यहाँ पे आपको फाइल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिएगा, प्लस पे क्लिक करिएगा तो आपके फ़ोन गैलरी में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी पिक्चर को आप ले लीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट करके लॉक पर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपके मोबाइल में आ गया, ये एप्लीकेशन में आ गया, ठीक है, ये अब ये एप्लीकेशन में आ गया, आपके फ़ोन गैलरी से हट जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में ही रहेगा। अब कोई इस एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो उसको क्या लगेगा कि यार ये तो टॉर्च एप्लीकेशन है, मगर आपने यहाँ पे जो पासवर्ड डाले रहिएगा, होल्ड करिएगा तो यहाँ पर खोल दीजिएगा, और जब आपको देखना होगा वो, तो आप यहाँ से वो इमेज को देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं। और यदि आपको कभी लगे कि नहीं अब इस ऐप में से हटाना है, यहाँ पे होल्ड करके यहाँ से आपको डिलीट कर देना है, आपके फ़ोन गैलरी में दोबारा चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो ये सबको सीक्रेट तरीके से छुपा करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा दूसरा ट्रिक
जो आपको समझ में आ गया होगा। इस ऐप का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा फोटो वीडियो को छुपाना है तो। अब रहा तीसरा ट्रिक, तीसरा ट्रिक जानने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आप जैसे जाओगे तो आपको नीचे जाना है। नीचे आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे दिखेगा एडवांस सेटिंग। अब इस पर क्लिक करिएगा, अब इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा फ्लैश नोटिफिकेशन, दिख रहा है ना। अब इसका काम क्या, आप ध्यान से देखिएगा, अब इसका काम क्या है, जैसे आप कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन है, इसको आप ऑन करिएगा। अब इसका काम जैसे आप देख सकते हो, प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे आपके फ़ोन पे कॉल आएगा या कोई नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे आपका फ्लैश लाइट ऐसे ब्लिंक करेगा, ठीक है, आपको इंडिकेट करेगा। अब मैं आपको स्क्रीन फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। अब इसको कौन ऑन कीजिएगा, अब इसका भी प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करिएगा तो अब जो आपके फ़ोन पे कॉल या नोटिफिकेशन आएगा तो स्क्रीन भी ब्लिंक करेगा और आपका फ्लैश लाइट भी ब्लिंक करेगा, मतलब दोनों ब्लिंक करेगा। तो इससे आपका फ़ोन खूबसूरत लगेगा और आपको पता चलेगा कि आपके फ़ोन में क्या आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो ये रहा तीसरा ट्रिक जो मैंने आपको बता दिया तीनों ट्रिक के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा कौन सा ट्रिक आपको समझ में नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। बाय।